बैतूल जिले में मॉनसून की पहली बारिश ने स्कूलों के शिक्षा विभाग की हकीकत सामने रख दी। दरअसल नगरीय क्षेत्र के विनोबा नगर में लगने वाले सरकारी स्कूल की हालत जर्जर हो गई है। छत की परतें गिरने लगी हैं और बरसात के शुरुआती दौर में ही स्कूल के तीनों कमरों में पानी भर गया है। जानकारी के मुताबिक महज एक कमरे के आधे हिस्से में पॉलिथीन लगाकर 5 क्लास के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं। अकेले बैतूल ब्लॉक में ही 9 स्कूल जर्जर हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चों की जान खतरे में बनी हुई है। अब देखना होगा कि ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा। मन कौन सी कक्षा पर? 5वीं। चलिए, कौन सा स्कूल है ये? विनोबा नगर बैतूलगंज वार्ड। तो जो पानी गिर रहा है छत में से और पन्नी बंधी हुई, कब से बंधी हुई बेटा? ये क्या बोलते हैं, अगले साल से। क्या दिक्कत होती है ये पन्नी बंधी, पानी गिरता है? छत गिरने का डर लगता है, पन्ने निकलने का डर लगता है, क्या बोलते हैं, छत गिरने का डर लगता है, तो टीन लगा रहे जा रहे इसके लिए। क्या कापी पुस्तक और बैग भी गीले होते हैं? हाँ, बैग भी गीले होते हैं, कापी पुस्तक भी गीली होती है, और क्या बोलते हैं, यहाँ पर पूरे पूरे सामान भी रखा है, वो भी गीले होते हैं। मैं संजय चौकी का बालक प्राथमिक शाला बैतूलगंज में प्राथमिक शिक्षक के पद पे हूँ, और यहाँ पे बारिश में पानी ऊपर से छत से रिसता है। पुरानी बिल्डिंग है 2006-07 की, इसके संबंध में, उसके रिपेयर के संबंध में CAC को और संकुल प्राचार्यों को अवगत कराया गया है। तो DPC महोदय और इधर से अभी मिली है कि कुछ मरम्मत के हेतु कुछ राशि दी गई है, तो उसका जल्दी फिर मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा। जब बारिश ज़्यादा होती है तो पानी गिरता है, तो उनको बच्चों को फिर एक रूम में बिठा दिया गया, एक रूम में ज़्यादा ही गिर रहे हैं, तो उसके अब मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा।